नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं करने वाली हूँ सरोजनी हॉल समर एडिशन। तो ज़्यादा बकर बकर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे क्योंकि वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि मेरे घर के पास ना कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो थोड़ा बहुत नॉइस आएगा, उसके लिए पहले से सॉरी। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं स्टार्टिंग करती हूँ टॉप से, जितने भी टॉप्स मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला टॉप है ये वाला, बहुत ही प्रिटी है इसका कलर। ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना ऑफ शोल्डर टॉप है और ऑफ शोल्डर टॉप ना मेरे कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर है। इसका सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो फैब्रिक है ना कॉटन का है, लेकिन इसमें जो सिलाई हो रही है थोड़ा रिब्ड सा इन्होंने लुक दे रखा है इसमें, और इसकी वजह से ना ये काफी अच्छे से बॉडी को हग कर रहा है, काफी अच्छे से इसकी फिटिंग आ रही है। इसको मैं कई चीजों के साथ स्टाइल करने वाली हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का टॉप। आजकल मैंने कई लोगों को देखा था इस टाइप के टॉप पहन के, इनमें कई सारे कलर्स का ऑप्शन थे लेकिन मुझे ग्रीन ट्राई करना था तो मैंने ग्रीन लिया। आपके आउटिंग के लिए, आप ऑफिस वगैरह के लिए भी इसको ट्राई कर सकते हो। कॉटन का इसका फैब्रिक है, बाकी जो इसका नेक है वो फ्रंट से थोड़ा सा डीप है। नेक्स्ट है ये टॉप। ये टॉप भी मुझे बहुत पसंद आया, इसका कलर ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बस इसकी मुझे एक चीज थोड़ा सा अजीब लगी। इन्होंने यहाँ पे ये दे रखा है ना, मतलब इसका कपड़ा ना वैसा है जैसा नाड़े टाइप का कपड़ा होता है ना, जो सलवार में बांधा जाता था, नाड़े वाला अभी भी बांधा जाता है, मतलब वैसा वाला इसका कपड़ा है। इससे अच्छा तो ना ही देते, बट कोई बात नहीं, इसको मैं ऑफ शोल्डर करके पहन सकती हूँ। बाकी इस टॉप की जो डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। नीचे से इन्होंने इसमें यहाँ पे ये फ्लेयर दे रखी है, ये भी इसमें काफी अच्छा लुक दे रही है। इसकी जो ये डिटेलिंग है, इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो फ्लावर्स बना रखे हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं इसमें। मतलब इस टॉप का जो लुक है ना, इन फ्लावर्स ने काफी इनहेंस कर दिया है। ये व्हाइट टॉप, इसका वैसे जो ओवरऑल फैब्रिक है वो थोड़ा सी थ्रू है, दिख रहा होगा आपको शायद, ये देखो थोड़ा सा सी थ्रू है, लेकिन इसके अंदर से कुछ पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो ये वाला वर्क करा हुआ है ये सब कुछ कवर कर देता है, तो इसलिए अंदर से कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये टॉप ना काफी बोहो सी वाइब दे रहा है मुझे। बाकी गाइस जो भी इन सब की प्राइस है ना मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन मैंने ना जब मैं ये सब ले रही थी वहां पे, तो मैंने जैसे मैं कुछ भी ले रही थी ना, जैसे मैंने ये लिया, मैंने इसकी वहीं पे पिक क्लिक करी और उसमें प्राइस मेंशन कर दिया था ताकि बाद में मुझे याद रहे। ऐसे इतने सारे कपड़ों का तो प्राइस याद रहेगा नहीं तक। ये चीज करना मेरे लिए वहां पे काफी मुश्किल था क्योंकि इतना रश होता है और फटाफट हम शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे करते करते नहीं हो पाता, लेकिन मैं ये सोच के गई थी कि ये चीज मैं करूंगी और ये मैंने क्यों किया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है ये टॉप। ओ माय गॉड, मुझे इतना पसंद आया ये टॉप, वहां पे देखते ही बस मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको कैसे कैसे स्टाइल करूंगी। तो इसको काफी तरह से स्टाइल किया जा सकता है। इसका डिजाइन, इसका फिट, इसकी स्लीव्स, जो ये पर्फ स्लीव्स दे रखी है, ओवरऑल सब कुछ पूरा परफेक्ट है। बस मुझे इसकी एक चीज अच्छी नहीं लगी कि जो इसका नेक है वो थोड़ा ज्यादा डीप है और इसमें थोड़ा सा क्लीवेज दिख रहा है, तो वो एक थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ये वाइट टॉप। अच्छा ये ना समर्स के लिए नहीं है, ये विंटर्स के लिए है, बट ये मुझे वहां पे दिखा, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वहां पे काफी विंटर्स के कलेक्शन भी थे जब मैं गई थी। इसका डिजाइन बहुत ही क्लासी सा था, काफी अच्छा लग रहा था ये मुझे। बाकी इसका फिट एंड ऑल सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसको तो मैं स्टाइल करूंगी अगले विंटर्स में। टी-शर्ट्स, ऐसी टी-शर्ट्स ना बहुत चली है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे टाई एंड डाई वाले जो भी चीजें होती है ना, फुटवेयर्स में भी आ गया आजकल तो टाई एंड डाई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये मैंने ली है और बहुत ही अच्छी है, कॉटन का मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है, पहन के भी बहुत कंफर्टेबल है। फैंसी शर्ट, ये आई थिंक हर किसी के वार्डरोब में होनी ही चाहिए क्योंकि ये इतनी यूजफुल होती है, स्पेशली समर्स में जब मुझे लगता है हम लोग धूप में जा रहे हैं, हमने क्रॉप टॉप डाला है या स्लीवलेस है तो हम इसको पहन सकते हैं धूप से बचने के लिए। नेक्स्ट भी एक शर्ट ही है ये शर्ट, मुझे कलर इसका अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। नेक्स्ट टॉप है ये जो मैंने पहना हुआ है, बहुत ही प्रिटी टॉप है, एकदम न्यूड से कलर का, न्यूड पिंक सा कलर है, बहुत ही सुंदर है। इसमें इन्होंने डिटेलिंग दी हुई है ये बटन्स की, ओवरऑल इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ एकदम 10/10 है, और इसका कलर है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही प्रिटी कलर है। तो टॉप्स में तो यही था जो भी मैंने अभी आप सबको दिखाया, बाकी अब मैं दिखाती हूँ बॉटम वेयर में जो भी मैंने लिए हैं। सबसे पहले है ये, और
सबसे अच्छी बात ये कि ये है ब्लैक कलर में, तो ये मेरे बहुत काम आ रहा है। इसका जो पैटर्न है वो बॉल बॉटम टाइप का है और काफी अच्छा लुक दे रहा है, काफी अच्छे से फिट हुआ है मुझे। बाकी इसकी जो क्वालिटी वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये ट्राउजर, ये वाला ना बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है। इसका कलर एंड ऑल सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका फिट वगैरह भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि लूज है तो अजीब सा लग रहा होगा या अच्छा लुक नहीं दे रहा, लूज होने के बाद भी काफी अच्छा लुक दे रहा है। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह और जो इनकी सिलाई वगैरह भी हो रखी है ना, वो भी काफी अच्छी हो रखी है। गर्मी में ना मुझसे जींस वगैरह डेनिम वगैरह बिल्कुल नहीं पहनी जाती, तो मैंने यही सोचा था कि इन समर्स में मैं स्विच करूंगी इन टाइप के ट्राउजर्स में। ट्राउजर ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फिटिंग दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छे से आ रही है और इसमें जो चेन दी हुई है ना, चेन और बटन वो साइड में दे रखे हैं। ये एक बटन दे रखा है और ये चेन दे रखी है। अच्छा, चेन वगैरह की क्वालिटी भी ना बहुत सही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इतने सस्ते सस्ते ये हैं। ये सारे जो भी मैं आपको ट्राउजर्स दिखाऊंगी ना अभी और जो मैंने भी दिखाए भी, ये सारे ना सिर्फ 200 रुपए के हैं और एक इनमें से 150 रुपए का है, बाकी के 200 रुपए के हैं। तो इस रेंज में यार इतने सही ट्राउजर्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए। उसके बाद है ये खाकी कलर का ट्राउजर, इसकी फिटिंग भी ना बहुत अच्छी आ रही है। सरोजी में ना ये प्रॉब्लम है कि हम कपड़े ट्राई करके नहीं पहन सकते, तो एक ना डाउट रहता है अंदर से कि यार वो जो मैंने लिया है वो आएगा कि नहीं आएगा। और इन सबको ना मैंने ऐसे ही जो आपका गले का वाला मेजरमेंट होता है ना, मैंने वो ही करके लिया। दोनों साइड के कॉर्नर्स पकड़ लो और ऐसे पीछे ना ये ऐसे टच होने चाहिए बस एक दूसरे से, तो आप समझ जाओ कि ये आपका साइज है, आपको आएगा। बट फिर भी थोड़ा कुछ कुछ चीजें जो हाई वेस्ट होती हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको खुद से भी आइडिया लगा के देखना पड़ेगा। मैंने यही करके मेजरमेंट लिया था और मेरे को सब कुछ एकदम अच्छे से फिट हुआ है। ये स्कर्ट, ये है लॉन्ग स्कर्ट, इसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स की डिटेलिंग दी हुई है ना, मतलब इतना लुक चेंज कर दिया है ना इसमें, और मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा यार। मेरे को इतनी पसंद आई थी ना ये देखते ही, और इसको पहनने में ना उतना ही मजा आ रहा है जितना इसको देखने में आ रहा है। क्योंकि समर्स में तो सबको पता है कि जींस वगैरह कहाँ इतनी कंफर्टेबल होती है, तो जो ये ट्राउजर्स और स्कर्ट्स वगैरह ये बहुत ही ब्रीथेबल होती है। और इसी की जैसी एक स्कर्ट मैंने और ली है, वो है ये। इसमें ना इन्होंने प्लेटें बना रखी है, देखो दिख रही है आपको। इसका जो डिजाइन है ना वो पहले वाली से काफी हटके है, काफी अलग है, और इसको स्टाइल करने के बाद भी ना जो पहले वाली है उसका लुक अलग आ रहा है और इसका लुक काफी अलग आ रहा है। क्योंकि इन्होंने जो प्लेटें दे रखी है ना, इनकी वजह से पूरा फैब्रिक ना इसे कंप्रेस हो जा रहा है और उसकी वजह से बहुत अच्छा लुक मुझे लग रहा है। तो ये था बॉटम वेयर जो मैं लेकर आई थी। अब हम बात करते हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट कुर्तीज की। तो सबसे पहली है ये वाली ग्रीन कलर की कुर्ती, बहुत प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत कंफर्टेबल है। देखने में इतनी अच्छी लग रही है, उतनी अच्छी पहन के भी लग रही है, बहुत अच्छा लुक ये दे रही है। सबसे अच्छी बात है कॉटन की है। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो फुल स्लीव्स की है, और मैंने इसे स्टाइल किया था व्हाइट प्लाजो के साथ। प्लाजो इसके साथ नहीं आया था, अलग से आया था। कुर्ती ये तो भाई सबकी फेवरेट है और अब तो खैर सबके पास ये होगी। इस कुर्ती का वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑनलाइन भी काफी जगहों पे अवेलेबल है ये कुर्ती। बाकी इसका स्टोन वर्क, इसका जो भी धागे का वर्क है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज मुझे इस कुर्ती की क्या लगी, वो ये लगी कि इस कुर्ती के साथ उन्होंने ये अंदर से क्या बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसे, ऐसा कुछ मतलब, क्योंकि ये कुर्ती चिनकारी कुर्ती सी थ्रू होती है ये कुर्तियां, तो उसी के लिए इन्होंने ये दे रखा है। एक चिनकारी कुर्ती और है, सेम वैसी है लेकिन व्हाइट कलर में, सेम वही चीज, सेम वही काम है, बस कलर अलग है। और देखो लुक कितना चेंज हो गया है सिर्फ कलर चेंज होने की वजह से। वहां पे और भी कलर्स थे, काफी कलर्स थे, और इसके साथ भी इन्होंने ऐसा अंदर से ये पहनने के लिए दे रखा है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि आपको दिखाऊंगी टू पीसेस जो मैंने लिए है वहां से। सबसे पहला है ये रेड कलर के टू पीस, इसका टॉप कुछ ऐसा है, क्रॉप टॉप है इसका, काफी अच्छी डिटेलिंग इन्होंने जो टॉप में दे रखी है ना, वो मतलब काफी अच्छा लुक दे रही है इसको। बाकी इसकी अच्छी चीज ये है कि इसके टॉप को अलग से भी हम सिंगल सिंगल भी इन दोनों को स्टाइल कर सकते हैं, इसके टॉप को भी अलग से किसी डेनिम वगैरह या स्कर्ट वगैरह के साथ ट्राई कर सकते हैं, और इसका जो ट्राउजर है उसको भी हम किसी और टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये नाइट सूट, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मतलब इसका कपड़ा ना सिल्क सा, थोड़ा प्योर सिल्क नहीं है, सिल्क कॉटन शायद मिक्स है क्या है, पर बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। ये ऐसे
इसके रफल से बना रखे हैं, बहुत क्यूट है। इसका प्रिंट, इसका कलर बहुत ही सूदिंग है। और इसके साथ जो शॉर्ट्स आए हैं वो कुछ ऐसे हैं। अच्छा है ये, बहुत कंफर्टेबल है। मेरे ना ये दोनों फेवरेट थे, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, मैं अपने कपड़े अलमीरा के अंदर डाल के ही जाती हूँ। लेकिन एक दिन मुझसे गलती हो गई थी कि मुझे बहुत लेट हो रहा था, मैंने बेड के ऊपर छोड़ दिए थे अपने कपड़े। और मेरे साथ क्या हुआ देखो, एक नहीं दो 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 छेद हो गए। और ये करा है इस दुष्ट औरत ने, इस दुष्ट औरत ने। दिखा अपनी शक्ल, ये है वो दुष्ट औरत। एक सूट मेरा इतना फेवरेट था, मैं इसी को इतना रगड़ रही थी, और इसने मेरे साथ ये किया। और ये पता क्यों किया, उसकी स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने इसकी पिटाई करी थी, क्योंकि ये बहुत शैतानी कर रही थी, बहुत हरकतें कर रही थी। मैंने इसे कूटा बढ़िया करके, और इसे कूट के मैं ऑफिस चली गई। और इसको पता है कि कौन से कपड़े मेरे, चीज मेरी कौन सी, मेरी ही चीज का नुकसान करेगी। उस दिन जैसे मैं इसको कूट के गई थी, इसको मार के गई थी, शाम को जब मैं घर आई तो मुझे ये सरप्राइज इसने दिया था। इतनी तेज है ये दुष्ट औरत। उनके बाद एक नाइट सूट और मैं लाई थी, वो है ये दोनों। बहुत सही है, ये प्योर कॉटन में है। इनका कलर वगैरह, इनका डिजाइन प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे कई लोगों ने बोला कि ये उन कपड़ों से मिलता है जो जेल में पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, पर कोई बात नहीं, हम कैदी ही सही। साइड में दो पॉकेट दे रखी है, इधर के साइड भी इन्होंने पॉकेट दे रखी है, और दूसरी साइड भी इन्होंने पॉकेट दे रखी है। जो अब मैं दिखाती हूँ कुछ ड्रेसेस जो कि मैं वहां से लेकर आई थी। तो पहली ड्रेस है ये ब्लैक कलर की, और इसमें ना ऐसे व्हाइट कलर के छोटे छोटे सर्कल्स, छोटे छोटे डॉट्स दे रखे हैं। इस टाइप का जो प्रिंट होता था ना, वो पहले बहुत चलता था, पुरानी पिक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो काफी अच्छा लुक आ रहा है, ऊपर से एकदम बॉडी हगिंग हो रही है, और नीचे से ऐसे फ्लेयर्स जैसे निकल रही हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये, और काफी कंफर्टेबल है, मुझे बहुत पसंद आई ये ड्रेस। मेरे लिए तो ये 10/10 है। इसका जो प्रिंट है ना, ये उन प्रिंट में से जो सॉरी गर्मियों में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको देख के ही एकदम आंखों को एकदम तसल्ली मिल जाती है ना, इसका प्रिंट मुझे वैसा लगा। जो छोटी छोटी डिटेलिंग है ना, मतलब बहुत अच्छा लुक दिया है इसमें। और ये डोरी दे रखी है, ये बैक पे है, बैक के लिए ये डोरी। पहन के ये काफी अच्छा लग रहा है। ये वन पीस है, पूरा ग्रीन कलर का है, और लॉन्ग है, मेरी नी से भी नीचे जा रहा है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत ही एलिगेंट सा है, बहुत ही अच्छा है। इसका जो नेक है ना, वो पूरा कवर्ड है, और इसके स्लीव्स हाफ हैं। इसके मटेरियल की मैं बात करूँ तो कॉटन का इसका मटेरियल है, और इसकी लेंथ वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे ना ऐसी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत एलिगेंट सी लगती है, जो थोड़ा लॉन्ग होती है और बॉडी हगिंग होती है, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। मैक्सी ड्रेस है ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस टाइप की ना मैंने दो ली हैं, एक ये और एक ये, दो कलर्स हैं ये। और ये दोनों इतनी प्रिटी है ना, इन दोनों का प्राइस ना 500 रुपये है, मतलब एक सिंगल ईच का 500 है और इसका 500। लेकिन 500 में मुझे ये वर्थ इट लगी, क्योंकि इसका जो कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, सिल्क टाइप का कपड़ा है, और पहन के इतनी अच्छी फिटिंग आ रही है ना, कि लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब इतनी सस्ती ड्रेस है। तो मैंने ना सोचा कि इनको ना मैं विंटर्स में भी स्टाइल करूंगी, अंदर से हाईनेक वगैरह पहन के कुछ ऐसा, इन दोनों को मैं स्टाइल करूंगी। और बाकी अभी तो ये पहन के बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो फिलहाल मैंने इनके साथ डेनिम भी ट्राई करी है, और बिना डेनिम के भी ट्राई करी है, दोनों का लुक बहुत अच्छा आ रहा है पहन के। यही सब था गाइस जो मैंने सरोजनी से लिया, ये था आज की वीडियो में। वो मैं क्यों कर रही थी कि मैं लिख के रख रही थी क्या चीज कितने की है। तो मैं जब सरोजनी गई थी ना, मैं शूट कर रही थी अपने फोन से, तो मुझे ना कई लोगों ने टोका, कई लोगों ने मना करा कि शूट नहीं करना है, वीडियोस नहीं लेनी, फोटोज नहीं लेनी, कई लोग मना कर रहे थे। कई लोगों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कई लोग मना कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब कई लोग मना क्यों कर रहे हैं। तो मैंने फिर एक से पूछ ही लिया कि ऐसे क्यों मना कर रहे हैं मुझे सब लोग, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, मैं वहां की लोकल हूँ। तो मुझे उन्होंने बताया कि कई यूट्यूबर्स आते हैं, शूट करके लेके जाते हैं, और जो भी वो सामान लेकर आते हैं उनका एक्चुअल जो प्राइस है उनसे कम बताते हैं, ताकि थोड़ा अटेंशन गेन हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो वो चीज़ है, उस रीज़न से फिर क्या होता है कि ऑडियंस देख के उनके पास जाती है, उनका शॉप नंबर वगैरह पे, उसी नंबर पे, उसी शॉप पे जाती है, और बोलती है कि भाई ये चीज़ तो आपने इतने में दी है, उतने में दी है, तो उनका लॉस होता है बेसिकली। ये चीज़ थी, तो इसलिए मैं ये चीज़ कर रही थी, ताकि गलती से भी मुझसे वो चीज़ ना हो जाए कि मैं कुछ और लेकर आई हूँ और बताने मैंने कुछ और दिया। तो ये था वो रीज़न मेरे ये चीज़ करने का। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना मेरे इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा।